नमस्कार, बोलो गंगा मैया की जय। आज मैं गंगा के द्वार पर बड़ी पावन और पवित्र भूमि प्रभु नारायण और भोलेनाथ की जो है स्थली है, यहाँ पर मैं आज आया हूँ आप सभी भक्तों के लिए। मैं कामना करता हूँ कि गंगा माँ आप सभी के भक्तों के पितरों को मोक्ष प्रदान करे और आपको भी आशीर्वाद प्रदान करे। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा हमारी ये है कि हमें अपने गुरु मंत्र के जप का जो मंत्र है उसका जप हमें किस तरह से करना चाहिए, उसका फल हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसे बहुत से मैंने अपने भक्तों को भी देखा है जो मेरे शिष्य हैं, मैंने अन्य गुरुओं के शिष्यों को भी देखा है कि एक तो जो है अगर लाभ नहीं मिला तो गुरु को ही बदल देना, ये गलत है। गुरु जीवन में हमेशा दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेकों होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी गुरु से जब अगर गुरु मंत्र ले लेते हो और चाहते हो कि उस गुरु मंत्र का आपको फल प्राप्त हो तो उसका तरीका क्या होता है। हमें सबसे पहले साधना किस तरह से करनी चाहिए जिससे हमारा गुरु मंत्र सिद्ध हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक जल का लोटा लीजिएगा, कोई भी जल का पात्र लें, जिस तरह से ये मैंने रख रखा है। एक कटोरी रखें अपने पास में और जल का पात्र लेने के बाद में आपकी माला झोरी, आपका गुरु वैष्णवी है या तामसी प्रवृत्ति का है या किस तरह का है वो गुरु पर डिपेंड करता है। आपको गुरु मंत्र किस तरह का दे रखा है वो मंत्र पर डिपेंड करता है। तो जैसे हम वैष्णवी लोग हैं तो हमें एक तुलसी की माला अपने पास में रखनी चाहिए, एक माला झोरी हो, जिस माला में जो है माला झोरी में जो है माला को हमेशा रखना चाहिए। और माला को रखने के बाद में आपको जप का प्रयोग किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। यानी कि अर्थात जल का लोटा हाथ में लिया और जल का पात्र लेने के बाद में जल को हाथ में इस तरह से लिया, आपको बोलना है ओम विष्णु हूँ, ओम विष्णु हूँ, ओम विष्णु हूँ। इस प्रकार तीन बार विष्णु बोलने के बाद में फिर संस्कृत में संकल्प होता है, जैसे नमः परमात्मने द्वितीय प्रादेहे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मू दीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्वर्तांत गते भूर्लोके। अब जैसे आज मैं उत्तराखंड क्षेत्र में हूँ तो उत्तराखंड क्षेत्रे, या आप जहाँ भी कहीं हैं आप वहाँ पर जो है इस तरह से संकल्प कर सकते हैं। अगर आपसे संस्कृत में नहीं होता है तो आप ऐसे जल हाथ में लें और जल हाथ में लेने के बाद बोलें हे प्रभु, हे मेरे सद्गुरुदेव, हे मेरे गोविंद, जिस भगवान का आपके ऊपर मंत्र है या जिसकी आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उस परमात्मा का नाम लें और कहें कि मैं अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के कारोबार वृद्धि के नौकरी के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए मैं ये मंत्र जप जो है करने जा रही हूँ। इस गुरु मंत्र के जप से मुझे भी मोक्ष प्राप्त मिले और मेरी ये मनोकामना सिद्ध हो। और वह जल जमीन पर छोड़ देना है। जमीन पर छोड़ने के बाद में उस जल को नेत्रों से आपको लगाना है और नेत्रों से लगाने के बाद में सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करने के बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। इष्ट देवता का ध्यान करने के बाद फिर आपको उसके बाद में जो है आचमन करना है, यानी कि उस जल को तीन बार अपने हाथ में, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरह से लेकर पी जाना है। पीने के बाद अपने हाथों को धो लेना है और हाथ धोने के बाद में अपने गुरुदेव का फिर पुनः ध्यान करके जप को आरंभ कर देना है। जप की प्रक्रिया इस तरह से होती है, जैसे आप ये माला है, इस माला से हमेशा इस तरह से इसको पकड़ा जाता है, ये उंगली खड़ी हुई हो और इस उंगली का कोई प्रयोग ना हो, इन दो उंगलियों के द्वारा और अंगूठे के द्वारा ये किया जाता है। तो इसमें जैसे भी जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं एक बीज पर एक बार वो मंत्र बोला जाता है। इस तरह से ये माला जब पूरी होते होते यहाँ आ जाती है तो बहुत से शिष्यों को देखा है वो यहीं से ही माला को आरंभ कर देते हैं, कभी भी माला ऐसे आरंभ नहीं की जाती, इस पर्वत को कभी भी माला को जो है लांघना नहीं चाहिए। तो इस पर जब आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आने के बाद में इस माला को यहाँ से ऐसे घुमाना है और घुमाने के बाद में इसको पुनः फिर शुरू कर देना है। अपने गुरु मंत्र की माला कम से कम वेदों में पुराणों में लिखी हुई है कि अपने गुरु मंत्र की माला 16 मालाओं का हमें जप करना चाहिए। 16 मालाओं का आप जप 21 दिन लगातार इस तरह से करते हैं और जप करने के बाद में फिर पुनः जल लेना है और जल लेने के बाद में बोलना है ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, और उस जल को फिर जो है जमीन पर छोड़ना है और जमीन पर छोड़कर फिर नेत्रों से लगा लेना है। इस तरह से अगर आप जप का आरंभ करते हैं तो मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं कि आपके गुरु मंत्र के द्वारा दिया, गुरु के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र आपके जीवन को बदल देगा, आपके घर में खुशियां प्रदान कर देगा। इसलिए
आज से अगर आप गुरु मंत्र का जप करते हैं तो इसी प्रकार गुरु का ध्यान लगाना शुरू कीजिएगा। राधे राधे।